मां भक्तस्य भारतम्। सजनों, हमारी गो माता रुद्रों की माता, और गो माता की सेवा से मनुष्य को जो चाहिए वो प्राप्त होता है। व्यक्ति जिस चीज की कामना करता है उसे वो मिल सकता है। जो स्त्री उनकी भक्त होती हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। धनार्थी लगते व्यक्तम धर्मार्थी धर्म आपने, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति धर्म पाता, धर्म का उनके आशीर्वाद से पालन कर पाता है, और जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। गो माता से आप जो चाहते हो वो आपको मिले। सर्वे देवा गवा मगी तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुहेषु स्वयं लक्ष्मी स्तुष्टत्वेव सतापितम्। गो माता की महिमा अपार है सत्य। इतना सब हो जाने के बाद भी हम गो माता की सेवा से वंचित है, उनकी रक्षा नहीं कर रहे, तो कितनी। और हम लोग, हम में से ही कुछ लोग हैं जो गो माता को पीड़ा पहुंचाया करते हैं। पहले तो भक्त बनने का नाटक करते हैं, और फिर वही लोग गो माता की हत्या का पाप करते हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट, ऐसे ऐसे पापी आज हो गए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। क्योंकि एक समय था जब हमारे देश में गो माता का दूध इतना होता था कि हमारे देश की जो भूमि है, भारत भूमि है, वो गो माता के दूध से सिंचित हुआ करती थी। आज ये स्थिति आ गई कि वो गो माता के खून से सिंचित हुआ। और लोग कहते हैं हम अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। जब तक गो माता की रक्षा नहीं कर सकते, तब तक आप लोग देश को समृद्ध वाला कैसे बनाओ? क्योंकि देश की समृद्धि तो गो माता की, उसका आधार तो गो माता ही रखा करती थी पहले। और पहले हमारा भारत विश्वगुरु कहलाता, इसीलिए भैया आज सबके पीछे गाय के पीछे कोई नहीं। आज गाय पालने वाले शायद ही मिले आपको, लेकिन कुत्ते पालने वाले जरूर मिल जाएंगे, वो घूम मिल जाएंगे आपको। आज भैंस के पीछे इंसान है, कुत्ते के पीछे इंसान है, हिरण के पीछे, शेर के पीछे, सांप के पीछे है, लेकिन गाय के पीछे नहीं। कहां भैंस के दूध के लिए लाइन लगी रहती है, और गाय के दूध को देने वाले को घर घर आवाज लगानी पड़ती है, घर घर जाना पड़ता है। सजनों, जिस दिन गाय के दूध के लिए लाइन लगना शुरू हो जाएगी, उसी दिन हमारा देश समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। लेकिन गौ माता की सेवा तो अच्छा तो अभी तो ये संभव हो, इसलिए आप लोगों को ये निश्चय करना चाहिए कि हमारे भंवरगढ़ में, भाई आप लोग जहां भी, जहां कहीं से भी आए हो, आपके गांव में या जहां कहीं भी गोवध का अगर घिनौना कृत्य, जघन्य अपराध अगर किया जा रहा है, तो हम ऐसे अपराध को बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। चाहे सर ही जो न कट जाए, पर गाय को नहीं कटने देंगे। अगर आप ये सोच लेते हो, उस दिन सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एकजुट हो जाएंगे, उस दिन गाय की रक्षा करना संभव हो जाएगा। और गौ माता की रक्षा दूर नहीं होगा वो दिन, जब गाय की रक्षा सबके लिए आसान हो जाएगी, और फिर गाय की जो हत्या करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी गाय को छोड़ने। आइए अब हम सभी लोग भी पता की लगता है आज आप लोग ठीक से भोजन करके नहीं है, इसलिए इतनी कम आवाज आ रही। जोर से लगाइए जयकारा मेरे साथ, बोलो गौ माता की जय हो। इसके बाद गौ माता की पूज से कन्हैया को झाड़ा दिया जाने लगा, और उनके पूज से जो झाड़ा दे रहे हैं वो जो पूरे मौसी पुरोहितानी, तो जो गाय के पूछ के जो बाल है ना सज्जनों, वो कन्हैया के नाक में लगने लगे, तो कन्हैया को गुदगुदी हुई, कन्हैया की कहते हंसने लगे, तो उनको हंसता देख के उसे गुत्ती नजर लग जाएगी।
इसको किसी की भला कैसे नजर रख सकते। जो दूसरों को घायल करने वाला है भला वो कैसे घायल हो। सजनों महानुभाव, इसके बाद में सब माताओं ने कन्हैया को गोदी में लिया और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। कीर्तनं पातु गोविंद शयानं पातु माधव प्रसिद्धवस्ते तु बुद्धि मात्मनः भगवान। खेलते हुए हमारे माधव की रक्षा, हमारे केशव की रक्षा ईश्वर करे, गोविंद करे। सोते समय हमारे लाला की रक्षा ईश्वर करे, माधव करे, केशव करे। इस तरह का उनका भाव। अच्छा, कन्हैया उनमें से किसी एक माता गोपी के हाथ में बैठे हुए और मनी मन में खूब हंस रहे, खूब मुस्कुरा रहे और मनी मन में खूब सोचते हुए हंस रहे हैं कि कैसी बात है। पक्को पंडित है, पक्को ज्योतिषी है, उसने बताया नहीं कि मेरे आने से पहले ही समस्या आ गई। सब लोग सोचने लगे, भैया बातें करने लगे कि पूछना मरी तो मरी कैसे, क्या कुछ कारण तो होगा। एक बोला, मुझे तो लगे कि लाला लेके भाग रही होगी, इतने में लगी ठोकर और धम वजी से गिर गई और मर गई। अभी दूसरे बोलो, क्या अरे ठोकर खा के गिरती तो मैंने बताया है कि उत्पात होने वाला है। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो साक्षात नारायणी एक ऐसा धमुत्र धरियो कि उतना मर गई। बाबा ब्रजवासी बोले, मानना पड़ेगा बाबा तेरे भजन का चमत्कार ही है, मानना पड़ेगा। इसके बाद में फिर जो पूतना का शरीर था उसके बारे में चर्चा होने लगी। बाबा मरी तो मरी लेकिन मथुरा और गोकुल को तो सब रास्ता जाम कर गई, अब जाको भी तो कुछ करने है हमें। भगवान बताइए कुछ नंद बाबा हम क्या करें। तो नंद बाबा बोले, काम करो जो पेड़ पौधे जो इसके कारण टूट गए उनको उसी के ऊपर रखकर इसे आग लगा के और यमुना किनारे पर इसके शरीर को ले जाकर आग लगाती हैं। और जब आग लगाने लगी तो उसके शरीर से मधुर खुशबू आने लगी। ऐसी खुशबू आई भैया मानो ब्रजवासी कोई बहुत बड़ा हवन कर रहे हो। खुशबू की बात सुनती परीक्षित जी का कोई नहीं करता है ना। तो मतलब नाम भी अच्छा नहीं और पूतना का अर्थ क्या होता है। पूता ने हम दो बच्चों को ही उठा के ले जाए वो पूतना, और पूत माने पवित्र भी होता है तो जिसमें पवित्रता बिल्कुल ना हो वो भी पूतना। अच्छा, पवित्रता और अपवित्रता अलग अलग चीजें हैं और अपवित्रता का एक सीधा साधा अर्थ अज्ञानता भी है ना। तो जिसमें अज्ञानता है वही है पूतना है ना। भेष उसका बनावा, उसकी मतलब शरीर की बनावट है कैसी ये भी तो देखिए। कटे फटे से तो बाल है, ऊपर से पहनावा, और ये देख करके कोई भी पहचान सकता है कि ये राक्षस है ना। तो अब आप लोग ये सोचो कि इस तरह के लक्षण जिसके हों, दिन में सोना, रात को जागना, अंधेरे से प्रेम करना, दिन को रात। अच्छा, मतलब पूतना का नाम अच्छा नहीं, फिर पूतना का काम अच्छा होगा, बढ़िया भगवान का भजन करती होंगी। और ये भी नहीं, क्या करती है, बच्चों को मारने का काम कर, मतलब काम भी अच्छा नहीं। अच्छा, फिर उसकी जाति अच्छी होगी, बड़ी अच्छे कुल में जन्म लिया होगा, ये भी नहीं, राक्षसी। फिर का पूतना का नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, तो भोजन अच्छा होगा, प्याज लहसुन को तो हाथ भी नहीं लगाती होगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है भैया, छोटे छोटे बच्चों को मार कर उनका गर्म गर्म खून पी जाती, भोजन भी अच्छा नहीं। फिर का भजन अच्छा होगा,
गोकुल में आई होगी तो भगवान को मारने के नाते से थोड़ी आई होगी, वो तो भगवान को भगवान का दर्शन करने, भगवान का भजन करने के इरादे से आई होगी। ये भी नहीं, भगवान को मारने के इरादे से आई। कंसेल प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सशिष्टाचार घोर निर्गंती पुर ग्राम जादिशु। तो कुल मिला के पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं, पर भगवान ने उसमें कौन सा गुण देख लिया? एक काम उसने वो किया जो केवल एक माँ करती है, क्या? भगवान को अपनी गोदी में बिठाकर अपना दूध पिलाया। तो भगवान ने उसकी एक भी गुण को, अवगुण को नहीं देखा, बस एक उसकी कृत्य को देखा, एक कर्म को देखा, और भगवान ने उसको वो गति प्रदान की जो कई वर्षों बाद माता यशोदा को मिलने वाली है। पूत राक्षसी को धारा ही मात्र पद कमल लोक बाग्नि राक्षसी रुधिराशरा जिधासया पिहरे स्तनं दत्वाप सजगतिं सजगतिं। तो सोचो जो भगवान पुत्रा जैसी राक्षसी में एक अवगुण नहीं ढूंढ पाए और उसका एक गुण देखकर उस पर रीझ गए, वो भगवान हम पर क्यों प्रसन्न नहीं होंगे अगर हम सच्चे मन से नाम लेंगे। और एक और देखो सज्जनों, पूतना का शरीर भगवान को स्पर्श करने के बाद साधारण देह नहीं रहा, उसका जो देह था वो दिव्य देह बन गया। अभी तक वो पांच भौतिक शरीर था, चित जल पाप गगन समीरा पंच रचित अजदम शरीरा, लेकिन भगवान का स्पर्श हो गया तो उसका शरीर फिर कोई साधारण शरीर नहीं रहा, उसका शरीर तो रासायनिक हो गया, उसका शरीर तो आध्यात्मिक हो गया। और रस कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान के नाम का रस है, उनकी कृपा का रस है, भक्ति का रस है, भगवान की कृपा का रस, स्पर्श मात्र से मिल गया। आप अंदाजा लगाओ ऐसे भगवान अब पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? बस एक बार सच्चे मन से सच्चे भाव से नाम लेने की तो देर है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सबने कन्हैया को एक पन्ने में झुलाया लिटाया और मैया ने वही सुला दिया और मैया बगल में खड़ी हो गई और लाइन लगा ली लंबी सी गोपियों ने और एक एक करके आ रही है कन्हैया का पल्ला झुला रही है और मैया यशोदा उन सबसे कह रही है, क्या कह रही है? आइए हम भाव से उस झांकी का दर्शन करते हैं, मेरे साथ भाव से गाइए। भैया कह रहे हैं कन्हैया झूले पर लेना निक मोले छोटा।